हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो यूपीएससी में वैकेंसी आई हुई है और आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी भी आई हुई है और अगर आप 12वीं पास है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आपको ये ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और फ्रेंड, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको जस्ट बगल में मिलेगा एक बेल आइकन, आपको वो भी प्रेस कर लेना है जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा सबसे पहले। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारी वेबसाइट पर आना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से आकर ये सभी डिटेल चेक कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो कल के बेस्ट कमेंट है वो रहे आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड, जो इसका रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यानी कि इसकी ओर से भर्ती चलेगी, जिसमें टोटल पोस्ट आपको 392 पोस्ट दी गई है। जो पोस्ट नेम है तो उसमें आपको टोटल दो प्रकार की पोस्ट दी गई है, आर्मी विंग है, एयरफोर्स और नवल विंग की इसमें वैकेंसी आई हुई है। जो आपको डिपार्टमेंट दिए जाएंगे वो डिपार्टमेंट जो होंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी और नवल एकेडमी की ओर से भर्ती चलेगी, ठीक है। अप्लाई मोड तो ऑनलाइन मोड से आपको अप्लाई करना होगा। हु कैन अप्लाई, तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स में अप्लाई भी कर पाएंगे, यानी कि अगर आप इसमें किसी भी स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर हम इसके पे स्केल की बात करें तो नोटिफिकेशन में पे स्केल के बारे में यानी कि सैलरी के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ है। जॉब लोकेशन जो आपका रहेगा वो ऑल ओवर इन इंडिया रहेगा, यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इसके एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 100 रुपये पर कैंडिडेट आपको पे करना होगा। अगर आप एस सी एस टी कैंडिडेट है तो आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो ये फीस है आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप पे भी कर पाएंगे। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और मेडिकल टेस्ट रहेगा। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10+2 यानी कि इंटर पास होना अनिवार्य है, वो आपने किसी भी बोर्ड के साथ कंप्लीट किया हुआ हो। अगर आप नवल एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके 10+2 यानी कि जो आपने 12वीं पास की हुई है वो फिजिक्स और मैथ के साथ होना अनिवार्य है, यानी कि इसमें फिजिक्स पीसीएम होना अनिवार्य है। अगर हम एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप इसमें अप्लाई भी कर पाएंगे। अगर जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी वो 9 जनवरी 2019 से स्टार्ट हो जाएगा, जो लास्ट डेट रहेगी सबमिट करने के लिए 4 फरवरी 2019 से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। जो इसका एडमिट कार्ड है वो अप्रैल में आ जाएंगे और जो आपका एग्जाम होना है वो 21 अप्रैल 2019 को आपका एग्जाम भी रहेगा। अगर फ्रेंड्स आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से पार्ट वन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अगर फ्रेंड्स आप इसका नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, एक बार आपको रीड कर लेना है। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं जो मैंने बताया उसी को आपको फुल डिटेल में इस वाले नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको लगता है कि इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहिए तो यार प्लीज़ कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ है तो यार प्लीज़ हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।